पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पर्चा आउट। एफआईए ने 20 तलबा को अलसुबह पर्चा हल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर शहजाद हमारे साथ हैं, केपीके से हम उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, कहिएगा, ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होना था, इसका पर्चा आउट हो गया है, एप्टीट्यूड टेस्ट है कब? ये बिल्कुल जी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के तहत आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेज जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें दाखिले के लिए आज इंट्री टेस्ट बल्कि 9 बजे अभी शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज एफआईए को इत्तला मिली थी कि एक ऐसा ग्रोह है कि जिसने पर्चा जो है वो हासिल कर लिया है, लीक करके उसने उनके पास है, और वो इसके इवज जो है वो जो लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट को और मेल और फीमेल को कह दिया है कि आप तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए देंगे और हम आपको एंट्री टेस्ट का ये पर्चा देंगे। उन्होंने ये गारंटी भी दी है कि इनमें जो 200 नंबर है उनमें 185 जो है वो हम आपको बताएंगे, और पैसे का ये बात है कि जब आपका ये पर्चा हमारे घर पे आएंगे, पर्चा हल करने के बाद जो है जब आप एंट्री टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमें पैसे देना। तो एफआईए की टीम जो है 2 दिन से इस पर काम कर रही थी। रात गए जो एफआईए की टीम ने तहकाल के इलाके में छापा मारा तो एक वहां पर तकरीबन 16 जो है मेल और 4 जो है फीमेल जो जिनका तालुक मुख्तलिफ इलाके से था वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो टेस्ट का पर्चा था वो हल कर रहे थे। फौरी तौर पर उनको जो है जो एक मेन एजेंट था तहकाल का इलाका है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चों को तहकाल में एफआईए ने छापा मारा और 20 तलबा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।